किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होता है? हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। 5-6 पीढ़ी में किसी की यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़, तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है। उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। यह कोई साधारणता नहीं हमारा। पुण्य 71 पीढ़ी तक जाता है, 71 पीढ़ी तक। आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों को।